Assalamualaikum and welcome to UMT Campus Radio FM 98.2 and this is your host Abir Chauhan. और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है और वो उनकी फील्ड से भी रिलेटेड है. अ करियर अबाउट आरजे रेडियो जॉब की क्या एक प्रॉमिसिंग करियर है पाकिस्तान में. बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं. इज कोकर प्राथौर एंड ही इज द होस्ट ऑफ रेडियो पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, शुक्र है. आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं. थैंक यू सर. तो जैसे आज हमारा टॉपिक है और ये आपकी भी फील्ड रही है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि एक रेडियो जॉकी क्या है बेसिकली. अब जॉकी हम कहते हैं किसी भी घोड़े को दौड़ाने वाले को, जिसको दौड़ा रहा हो, चला रहा हो, जिसको आप घुड़सवार भी कहते हैं. जी जी. अब किसी भी ट्रांसमिशन को चलाने के लिए जब रेडियो बना था और उस वक्त क्योंकि एंकर्स या होस्ट का लफ्ज नहीं था, 250 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है रेडियो की, उस वक्त ये नहीं था. तो इसको चलाने के लिए जब जर्मन्स ने, फ्रेंच ने अल्फाज इस्तेमाल किए तो उन्होंने जोकी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ऐसा शख्स जो इस रेस से में मौजूद है और इसको चला रहा है रेडियो को, तो इसको एज अ रेडियो जोकी यूज किया. तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कि आपकी ब्रॉडकास्ट को नशर करना, चलाना ऑन माइक रेडियो है अगर, तो वो रेडियो जोकी कहलाएगा. सर हमारे यहाँ पर ना सोसाइटी में बेसिकली बड़ा मिसकंसेप्शन है एक रेडियो जॉकी और वीडियो जॉकी को लेके. अब जब हम किसी को ये टर्म बताते हैं कि जैसे मैं अगर किसी को बोलूं कि आई एम आरजे, तो लोग पहला सवाल कहते हैं आरजे क्या होता है. लेकिन उनकी नजर में एक आरजे की वो वैल्यू क्यों नजर नहीं आती है, क्यों वो एक फेडिंग कैरियर है? अच्छा, पहले जो आखिरी सवाल का हिस्सा है, एक फेडिंग कैरियर क्या है, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. अगर ये फेडिंग कैरियर होता तो दुनिया इस वक्त पॉडकास्ट की तरफ ना जा रही थी. क्लियर? जबकि आपके दौर में यूट्यूब भी है, जबकि आपके दौर में टिकटॉक भी है, जबकि आपके दौर में, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड द वेस्ट, मैं इस तरह बात कर रहा हूं. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान का जो आप इदारा ले लें, जो मेरा इस वक्त इदारा रेडियो पाकिस्तान, उसमें तो आपको स्पेस ही नहीं मिल रही होती जब तक आप पूरी क्वालिटीज पर पूरा नहीं उतरते. इसके बाद अब प्राइवेट चैनल्स आ गए, जिस तरह रेडियो आप लोगों लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन चीजें क्या हैं कि इस फील्ड का इसलिए सबको इतने अच्छे तरीके से नहीं पता क्योंकि ये सबको आता ही नहीं है. टिकटॉक बनाना आसान है, वो बना लेगा. अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. आप स्क्रीन पर बैठी हैं जी, आप अपने स्क्रीन से या एक खातून अपने मेकअप से, अपनी आंखों से बगैर बोले भी एक्सप्रेशन देती है ड्रामा में, आप देखते हैं. अब सोचें कितना मुश्किल होगा कि यही एक्सप्रेशन सिर्फ मैंने आवाज से देनी है. बहुत डिफिकल्ट होता है. सब नहीं कर सकते. अगर सब कर सकते होते तो पाकिस्तान के अभी 23 करोड़ आवाम होंगे, सारे आर्टिस्ट होते. आजकल हम एक चीज देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, हमारे पास मोबाइल फोन है, टीवी है, रेडियो को अब लोग कम सुनते हैं, वो वापस अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? अच्छा वीर, एक बात समझनी है, और समझनी ये है कि हमेशा इंसान आसान चीज की तरफ जाएगा. मसलन एक मिसाल मैं दे रहा हूं, रेडियो क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि रेडियो सिर्फ आपके घरों में पड़े हुए एक डब्बे तक मुहित रह गया था, या आपकी कार के अंदर लगा हुआ रह गया था. ठीक है, अब कार में से निकाल के लेकर मैं उसको जेब में तो नहीं फेर सकता था. तो मैं सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गया. जब आप उसको शिफ्ट करेंगे आसानी पर, अभी एक मैं इसी आपके 98.2 है यूएमटी, अगर तो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो मैं कैंपस के किसी कॉर्नर में भी बैठा सुन लूंगा. अगर यहां से बाहर जाएगी आवाज, किसी भी मुल्क जाएगी, जैसा रेडियो पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग, तो मैं कहीं भी सुन लूंगा, मुझे इंटरेस्ट पैदा होगा उसको सुनने का. लेकिन मेरे लिए कितना मुश्किल होगा वीर कि मैं यहां से स्पेशल आपके घर आऊं और वहां पे आप रेडियो में सेल डाल के उसको ऑन करें और मैं और आप एक घंटा बैठ के सुने, मुमकिन नहीं. इस वजह से चीजों की यूटिलाइजेशन जब आसान होती है, उसकी अप्रोच जब आसान होती है, तो वो ज्यादा पॉपुलर होती है. टिकटॉक, स्नैप वीडियो, ये सारी वो एप्लीकेशन है जो जिन्होंने यूट्यूब को तोड़ा 15 सेकंड का कॉन्टेंट देकर. एक शख्स के पास 15 सेकंड का टाइम है, वो सॉन्ग, सैड वीडियो, कोई डांस कुछ देख सकता है, वो वही चीज 15 मिनट कैसे देखेगा?
अपने लिए फिगर्ड हो जाए। हाँ, तो आपको यूजर के लिए आप लोग क्योंकि मास मीडिया से आप लोगों का ताल्लुक है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन लव सुना होगा। अब यूजेस और फिर उसकी ग्रेटिफिकेशन, इसके लिए आपको सुना और देखा जाता है, तो इसलिए आपको उसके मुताबिक चलना होगा। मैंने कहीं बात पढ़ी थी कि रेडियो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके दिमाग में 100 ख्यालात को और पैदा करता है, क्योंकि जिस चीज को आप विजुलाइज करेंगे वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। और आप सर उसको आपको एग्री करते हैं, जब हम किसी की वॉइस सुन रहे होते हैं, लाइक मैं बचपन से रेडियो सुनती भी आ रही हूँ, तो मेरा बचपन का था 106.2, बहुत सुनती थी मैं। तो सुबह सुबह जब वो शो शुरू होते थे उनके, एक बड़ा मजा चीज होती कि वो एक बड़ी मजा इमेजिनेशन क्रिएट कर देते थे। बूम एफएम था 106.2 बहुत ज्यादा। सर वो चीज आज क्यों नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, वो क्यों बार बार सिर्फ ऑन स्क्रीन आने के लिए आ जाते हैं? स्क्रीन पे आने की रीजन ये है कि स्क्रीन पर सबसे ज्यादा मैनेज्ड चीज को लाया जाता है। जो भी उसको देखेगा वो समझेगा शायद ही अगर ये इतना मैनेज आ रहा है तो मैं भी इतना ही मैनेज आऊंगा। अक्सर जिस वक्त हम लोग चैनल्स के लिए स्क्रूटनी कर रहे होते हैं प्रोग्राम एंकर्स की या न्यूज एंकर्स की, तो बहुत से न्यूज एंकर्स को लड़कियां या लड़कियां उनको माजत कर लेते हैं कि नहीं आप नहीं बन सकते, वो हमसे बाद में नाराज होकर सवाल पूछते हैं आपने क्यों कहा हमें नहीं बन सकते, तो हम उनको कई बार कहते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन कट ही नहीं है वैसा। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और जब आप स्क्रीन पर आते हैं आपका चेहरा, आपका तलफ्फुज और आपके एक्सप्रेशन, या तो देखें आप नेपोटिज्म से आए तो फिर जैसे मर्जी हैं, फिर नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्क्रीन ले लेनी है, छीन लेनी है, जैसे पाकिस्तान बहुत से एक्टर्स हैं, जैसे बॉलीवुड में बहुत से, हॉलीवुड में, वो परमानेंट, उनसे कोई स्क्रीन इसलिए नहीं छीन सकता, दे आर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्क्रीन। वो बात भी करेंगे, उनकी आवाज, उनकी तलफ्फुज कमाल है। पीटीवी जैसा पीटीवी था, क्यों पीटीवी के लोग आज तक ड्रामाज में आप देख रहे हैं, तो क्यों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेज उन्हें मिले, क्यों प्रेसिडेंशियल अवार्ड उनको मिले, वो वाकई लेजेंड थे। वो तलफ्फुज, उनकी अदायगी, उनका एक्सप्रेशन, वो सारा मैच करता था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी स्क्रीन पे आए हुए को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, एक एक्टर या एक्ट्रेस, ना तो उसकी स्क्रीन है, ना उसका तलफ्फुज है, और अगर वो एंकर है तो मजीद बेड़ा गर्क है, सॉरी टू से। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर पाकिस्तान में न्यूज एंकर हैं तो आपको पाकिस्तान के शहरों का नाम का तलफ्फुज ही नहीं पता। आपको कराची के अंदर जब लफ्ज आ जाता है ना कराची, तो फिर अगर आप उसको कराची बोलेंगे ना तो कराची वाले आपको बहुत, अभी हम जिस शहर में रह रहे हैं उसको आधे से ज्यादा लोग लाहौर बोलते हैं, जबकि तलफ्फुज पढ़ने वाला इसको लाहौर ही बोलेगा। तो आप में बहुत सी क्वालिटीज होंगी तो आप भाई स्क्रीन तक आ सकेंगे, स्क्रीन तक आना भी एक मुश्किल है। क्या वाकई एक प्रॉमिसिंग कैरियर है ये रेडियो जॉब की? बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग कैरियर है, लेकिन व्हाट इट नीड्स इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अच्छा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा ब्रॉडकास्टर हूं या बहुत अच्छा रेडियो एंकर हूं, रेडियो होस्ट हूं, आरजे हूं, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन इस वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम अपने टैलेंट को करंट जो सोशल मीडिया चीजें उनमें किस तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये क्वालिटी शार्पनेस आपको चाहिए। मसलन आप लोग इस वक्त एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी स्क्रीन पे चलेगा। अब आपने तीन काम इकट्ठे कर दिए, आपने रेडियो का प्रोग्राम भी कर दिया, सुनने वाले सुन लेंगे जी। थोड़ी देर बाद आप जब इसको ये प्रोग्राम चलेगा देखने वाले इसको देख भी लेंगे जी। अब देखने वालों ने मेरी बात भी सुन ली, और फिर अगर आप इसी चीज के शॉर्ट क्लिप्स बना के डेढ़ डेढ़ मिनट के सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जो बिल्कुल लेस टाइम कंज्यूमर जो पर्सन है वो भी इसको देख लेगा। अब यूं क्या हुआ, ये एक वक्त में इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ग्रेटिफिकेशन, नॉलेज सबकी बेस बन गया। सुनेंगे 100, स्क्रीन पे आपका जो 15-20 मिनट, 25 मिनट, एक घंटा, घंटा जितने का भी प्रोग्राम होगा उसको देखेंगे अगर 300 बंदा, तो सोशल मीडिया पे 5000 देख लेगा। फर्क आ गया। अब आपने अपने मीडियम को कैसे यूज किया, तो रेडियो को अगर ये खत्म नहीं हो सकता, जो मीडियम शुरू होते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की कि पॉडकास्ट इसका एक नया वर्जन है। लेकिन याद रखें, पॉडकास्ट को सोशल मीडिया ने मुतारिफ करवाया, इसका मतलब आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करें और मजीद इसको इम्प्रोवाइज करें, करते जाएं इसको।
सर मतलब अब इन दी एंड मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक फ्रॉम द मीडिया फील्ड, सर वो उस चीज को कैसे अपने अंदर अडेप्ट कर सकते हैं? लाइक अगर वो कैमरा पे भी आना चाहते हैं या वो अगर रेडियो पे आना चाहते हैं तो वो उस चीज की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कोई एक टिप उनके लिए हो जाए? सबसे पहले आप देखना है कि आप फोटोजेनिक चेहरा हैं भी कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये सबसे पहले समझना है कि कौन सी चीज कम है। अगर तो आप ये समझ लेंगे कि आप कम है ही नहीं, फिर तो आप मारे गए। अगर आप समझ लेंगे हाँ यार मैं यहाँ कम हूँ, फिर आप वहां मेहनत करेंगे। अगर आप समझेंगे यार मुझे स्क्रीन के लिए फिटनेस ज्यादा जरूरी है, फिर आप वहां मेहनत करेंगे। फिर आपको लगेगा मुझे आवाज तैयार करनी है। देखिए अबीर, आप जिस तरह मुझसे बात कर रही है ना रेडियो पर, आप घर में इस तरह बात नहीं करती। रूटीन है ना, दोस्तों के साथ इस तरह बात नहीं करती। आप अगर किसी फॉर्मल इवेंट पे चली जाएंगे, आप इस तरह स्पीच नहीं डिलीवर करेंगे। अगर आपने अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट चलना है ना, तो फिर हमें प्रैक्टिस भी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ही करनी है। प्रैक्टिस जरूरी है। वैसे ये भी आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बिकॉज मैं एक आरजे हूँ, आप भी रहे हैं, आपकी भी एक फील्ड है, और जितने लिसनर्स थे ये उनके लिए भी कहने एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं अपनी रेडियो फील्ड को एटलीस्ट एक ऐसे शख्सियत के थ्रू डिस्क्राइब कर सकूं जिन्होंने इसमें बहुत काम किया है। और मैं समझती हूँ कि आपको आज बहुत सारी चीजें एज अ रेडियो जॉकी के बारे में क्लियर हो चुकी होंगी, कि अगर कोई आपको अगर कहता है कि मैं आरजे हूँ तो ऐसे आपने ना एक्ट नहीं करना कि वो कोई खलाई मखलूक है। तो फिलहाल के लिए उम्मीद करती हूँ कि आज का जो आपका पॉडकास्ट है वो अच्छा लगा होगा, और मजीद अच्छे पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए UMG TV।